कांग्रेस पार्टी का गठन हुआ। मुंबई और महाराष्ट्र ने कांग्रेस पार्टी इंदिरा जी राजीव जी को ताकत दी है। महाराष्ट्र के प्रभारी एचके पाटिल ने कहा कि आज से शुरू हुए कांग्रेस सदस्य पंजीकरण में अधिक से अधिक सदस्यों को पंजीकृत कर संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के अभियान में मुंबई और महाराष्ट्र को बड़ी संख्या में नागरिकों को शामिल करना चाहिए। मुंबई सहित राज्य के सभी जिला मुख्यालयों पर सदस्य पंजीकरण अभियान आज से शुरू हो गया। सदस्य पंजीकरण का उद्घाटन राज्य अध्यक्ष नाना पटोले और बहुजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार ने गढ़चिरौली में, राजस्व मंत्री बाला साहेब थोराट ने अहमदनगर जिले में, गृह राज्य मंत्री सतेज बंटी पाटिल कोल्हापुर में और राज्य कार्यकारी अध्यक्ष कुणाल पाटिल ने अमरावती में किया। इस अवसर पर बोलते हुए पाटिल ने आगे कहा कि कांग्रेस पार्टी की स्थापना ऐतिहासिक और पवित्र महानगर मुंबई में हुई थी। मुंबई कांग्रेस के विचारों का शहर है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के निर्देश पर कांग्रेस सदस्य पंजीकरण अभियान 1 नवंबर से देश भर में शुरू हो गया है। मुंबई कांग्रेस 10 लाख सदस्य बनाएगी। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस को बड़ी संख्या में सदस्यों को पंजीकृत करना चाहिए। जब आपके नेता राहुल गांधी 28 दिसंबर को शिवाजी पार्क में एक रैली को संबोधित करेंगे तो उन्हें कांग्रेस पार्टी के पंजीकरण का विवरण दें। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहर के साथ अभिषेक पांसी, BCN News, नागपुर।